हेलो दोस्तों, मेरे 1500 रुपये बर्बाद हो गए यार। मैंने इसे फिटशॉट कनेक्ट को ख़रीदा था 29 नवंबर को दोस्तों, और ये रही वॉच, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही वॉच, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। वैसे इसका जो प्राइस 1500 रुपये था, फीचर्स देख के मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी, इसीलिए ऑर्डर किया था मैंने। अगर फीचर्स की बात कर ली जाए तो दोस्तों, इसके अंदर आपको 1.85 इंच की डिस्प्ले मिलती है। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले का साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है। अगर हम बात करें, इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग मिलती है और मैंने कॉलिंग यूज़ कर रखी है इसकी। यहाँ पर देखो स्पीकर है, मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे स्पीकर और इसकी जो आउटपुट है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इसकी जो साउंड है बहुत सही आ रही थी। सोलो सिंक की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ये जो आप देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स है ना, आप इसके अंदर भी ला सकते हैं। ऐप के थ्रू होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। 5-6 कॉन्टैक्ट, 10-15 कॉन्टैक्ट आप इसमें ला सकते हैं, तो विदाउट फ़ोन को यूज़ किए आप सीधा कॉल लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, 500 निट्स की फुल पीक ब्राइटनेस कह सकते हो, जो इसकी ब्राइटनेस थी मैं ये बोलूँगा बहुत सही लगी थी। इतनी भी ज़्यादा नहीं, बट हाँ ओके थी। जो इसके अंदर हेल्थ रिलेटेड सेंसर्स थे दोस्तों, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। बैटरी लाइफ की मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि उसी के वजह से शायद से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। 100+ स्पोर्ट्स मोड थे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि क्या हुआ ऐसा जो मैं कह रहा हूँ 1500 रुपये बर्बाद हो गए दोस्तों। ये मेरी वॉच काम नहीं कर रही है दोस्तों। मैंने इसे 29 नवंबर को ख़रीदा था, ये कुछ दिन चली, उसके बाद से ये काम करना बंद हो गई है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो देखो, मैं बटन दबा रहा हूँ, ये साइड में बटन है और मैं दबा रहा हूँ, देखो नहीं, दबा के रख दिया मैंने, कोई आंसर नहीं है, दबा हुआ मैंने प्रेस कर रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो दोस्तों, मैं बताऊं आपको, जब मैंने इसे यूज़ किया था 60% बैटरी लाइफ बची हुई थी, बैटरी लाइफ सही चल रही थी। करीब मैं बोलूँगा सुबह से लेकर शाम हो चुका था और 60% फिर भी बाकी थी। शाम में पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब मैंने एक बार दबाया तो मैंने कहा यार ऑन नहीं हो रही, तो मैंने देखा ये स्विच ऑफ हो गई है। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्या पता चार्ज नहीं हो रखी हो, चार्ज बैटरी ख़त्म हो गई हो। तो मैंने इसे रात भर चार्ज में लगाया दोस्तों, कोई आउटपुट नहीं आया। इसका जो पिन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पिन इसका, ठीक है, ऐसे करके। इसके जो वायर है पता नहीं इसमें खराबी है, क्या खराबी है, क्या पता चार्ज नहीं ले रहा, चार्जिंग पोर्ट में खराबी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि 60% के बाद ही ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने कहीं से गिराया हो या कुछ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। क्या पता ये मॉडल ही मेरा मतलब बेकार है, बाकी सबका अच्छा चल रहा हो। आप बताइए, अगर आप फिटशॉट कनेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपका वॉच अभी तक बढ़िया से काम कर रहा है, या आपको भी ज़रूरत पड़ी है सर्विस सेंटर की? तो आज सुबह ही मैंने दोस्तों फिटशॉट पे कस्टमर केयर पे कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप मुझे एक बार वीडियो और अपनी इनवॉइस करिए मेल, ठीक है, मेल करिए, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये कितने दिनों में एक्शन लेंगे, और जो मेरा रिस्पॉन्स है मतलब यार मेरे को भी तो स्मार्ट वॉच की ज़रूरत है, ये कितने दिन में ठीक होकर आएगा। तो जैसे भी कुछ अपडेट आएगा दोस्तों, मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं ये बोलूँगा कि इतनी मतलब यार होता है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे एप्पल का स्मार्टफोन क्यों ना हो, मतलब आईफोन क्यों ना हो, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की गारंटी नहीं होती है। इनके सर्विस सेंटर पास होने चाहिए, उनकी सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉच तो यार कोई भी ख़राब हो सकती है, तो शायद ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी कि ये ख़राबी आई है। ऐसा नहीं कि फिटशॉट जितनी भी वॉच बना रही है वो ख़राब है या फिटशॉट कनेक्ट ख़राब है। फिर भी आप, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बताएं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि कितने दिनों से आप इसे यूज़ कर रहे हैं और अभी कैसे वर्क कर रही है। साथ ही साथ एक चीज़ बोल दूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं अभी शो नहीं कर पा रहा हूँ आपको क्योंकि ये ऑन नहीं है। इसके अंदर 60Hz का रिफ्रेश रेट है दोस्तों, जिसकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी तरीके से लग रहा था। मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये 1500 रुपये की वॉच है, ऐसा फील हो रहा था पता नहीं कितनी महंगी वॉच है, ताकि जो इसका स्मूथनेस थी ना काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। स्ट्रैप की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि हाँ, 1800-2000 रुपये में जो स्ट्रैप देखने को मिलते हैं वही आपको 1500 रुपये में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे फिटशॉट की ब्रांडिंग भी दे रखी है दोस्तों, और अच्छी है वॉच। पता नहीं क्या खराबी आई है, अब वेट कर रहा हूँ मैं, कुछ रिस्पॉन्स आएगा मेल में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ यार लाइक करना वीडियो को, आपकी एक लाइक बहुत मोटिवेट करती है। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।